हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ माता रानी के भोग की रेसिपी शेयर करेंगे। अष्टमी और नवमी को बनाए जाने वाले सूजी के हलवे और चने की रेसिपी, जो कि माता रानी को भोग में चढ़ाई जाती है। चलिए तो बनाना हम शुरू करते हैं। ये हमने 1.5 कप चने लिए हैं, जिन्हें ओवरनाइट सोक करके हमने रख दिया था। अच्छे से चनों को धुल लिया है। प्रेशर कुकर में चनों को डाल देंगे। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये चने हमारे डूब जाएं। कुकर का ढक्कन लगाकर 8 सीटी आने तक, या तब तक जब तक चने हमारे नरम ना हो जाएं, पका लेंगे। 8 सीटी आ चुकी हैं, चनों को चेक करते हैं। ये देखिए, चने हमारे बढ़िया गल चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर में चनों को निकाल लेंगे, जिससे इनका पानी अलग निकल जाए। एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच हमने देसी घी लिया है। जब घी गर्म हो जाए, तब उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में चुटकी भर हींग। दोनों को अच्छे से भूनने देते हैं। 1 कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी। मसालों को 1/2 मिनट के लिए भून लेते हैं। गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा। अब अपने चनों को मसालों में डाल देंगे। और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। साथ में इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल देते हैं। चनों में अच्छे से नमक और नींबू को मिक्स कर लेंगे। ढककर 2 मिनट के लिए इन्हें भून लिया है हमने। 2 मिनट बाद नीचे हमारे चने बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। मसालेदार, तीखे, चटपटे माता रानी के भोग के चने बनकर तैयार हैं। अब हम सूजी के हलवे की तैयारी करेंगे। ये 1/2 बॉल हमने सूजी ली है, या 2 बड़े चम्मच सूजी है ये। सूजी को हम भून लेते हैं। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर सूजी को आप भूनिएगा। सूजी भूनते समय बर्तन की तली भारी होनी चाहिए, जिससे सूजी जले नहीं। देखिए, सूजी का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे काजू और बादाम भी सूजी में ही डाल देते हैं। सूजी के साथ ये भी भुन जाएंगे। जितनी सूजी ली थी, उसका 1/2 हमने घी लिया है। घी को भी सूजी में मिक्स कर देते हैं। अब जितनी सूजी ली थी, उसका 3 गुना हम पानी लेंगे, यानी कि 3 बॉल। 1, 3। यहाँ हमने 3 बॉल इसमें पानी डाल दिया है। और जितनी सूजी थी, उतना ही इसमें चीनी डाली है। लीजिए, हमारा हलवा लगभग बनकर तैयार हो गया है। बस 1 मिनट इसे और इसी तरह लगातार चलाते हुए
पका लेते हैं। देखिए हलवा बनकर तैयार है। ठंडा होने पर ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। दानेदार हलवा बनकर तैयार है। साथ में हमने पूरी भी सेंक ली है। लीजिए हमारी माता रानी का भोग बनकर तैयार हो गया। मसालेदार चने, सूजी का हलवा और पूरी। अब आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप माता रानी को चना, हलवा और पूरी का भोग लगाइए। आपको हमारी माता रानी के भोग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगें तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।